अरे भाई, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके सामने ये वारदात हुआ और जिसमें इन्होंने कार की शीशे भी तोड़ी पेपर चेक करने के लिए भाई ने, और वो मौके पे ड्राइवर फरार हो गया। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा जो कितने थे, लेकिन वो जो तीन थे जो बाइक पे आ रहे थे, और काफ़ी गाड़ी आप देख ही रहे जो काफ़ी रफ्तार में थी, और ये तीन बार पलटी खाई है। तीन बार पलटी खाने के बाद ये गाड़ी अपने स्थान पर आई है, और मेरे हिसाब से जो है बहुत ही बुरी जख्मी तरीके से वो तीनों जो जवान थे एक्सीडेंट हुआ है, और गाड़ी वाले और तीनों भाई अपने सगे भाई थे, इसमें से एक की शादी हो रही है और दो कुमारा था। तीनों अम्बेडकर हॉस्पिटल में है इस बार, अम्बेडकर हॉस्पिटल में है, और बचने का कम चांसेस मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि गाड़ी का कंडीशन ऐसा हो रहा है, क्योंकि हाँ, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर जो मौके पर फरार हो गया, और पुलिस शायद आई भी थी, जैसे कि हम लड़की भी थी साथ में, वो तीनों बच्चे कार में लड़की भी थी, वो कार में लड़की थी, रेंटली कुछ भी हो सकता है, बड़े वाले की क्या नाम है शादी हो चुकी है, दो बच्चे, दोनों भाई हमारे छोटे वाले, पूरा घर उनका बहुत शरीफ है, पूरी कानून नहीं जानती है, मदनी मस्जिद के सदर के तीनों बच्चे हैं, कानून नहीं जानता है, तीनों बच्चे लड़की के बहुत शरीफ है, उनके करीब में रहते हैं, उनके पड़ोसी हैं, हम उनको कम से कम 20 साल से जानते हैं, ऐसे कोई उनका कुछ ये नहीं है। ये जो गाड़ी वाले हैं ये शराबी हैं, कबाबी हैं, कैसा ये नहीं जानते हम, लड़की भी थी इसके साथ। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, जब ये गाड़ी जो व्यक्ति चला रहा था उसको देखा आपने? नहीं, इतना टाइम है ये आउट एरिया, यहाँ पर किसी ने प्रदर्शन हमने नहीं देखा।